नमस्ते, मैं हूँ रेखा शर्मा। मैं ऐसे तो हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, पर ऐसे मैं सिंगापुर में रहती हूँ। जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल में इसको देखा तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैं वहाँ जाऊँगी और अपना इलाज करवा के आऊँगी। यहाँ मैंने डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया पर मुझे कोई भी फर्क नहीं नजर आया। जैसे मैं यहाँ आई, मुझे आरोग्य पीठ में तो अच्छा। मुझे 8 दिन में ही मैं अच्छी हो गई हूँ, जबकि मैं काम एक किचन में असिस्टेंट हूँ। मैं जैसे ही खड़ी होती थी तो मुझे बहुत पेन होता था, मैं प्रॉपरली काम नहीं कर पाती थी। जैसे मैं यहाँ आई तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। मुझे अब पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे खड़े होने में कोई परेशानी नहीं है, मैं आराम से चल सकती हूँ अब, और काम करने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो कहाँ कहाँ तकलीफ होती थी आपको, थोड़ा सा थोड़ा बताओ। मुझे पहले लो बैक पेन में तकलीफ होती थी। लो बैक पेन होता हाँ था। जी, वो 1 मंथ के बाद पूरा लेफ्ट साइड में चला गया। अच्छा। हाँ जी, फिर मैं जैसे मेरा काम है किचन में, जैसे मैं रसमलाई या कुछ बनाती थी तो मैं थोड़ी देर खड़ी होंगी बैठ जाऊंगी, थोड़ी देर फिर खड़ी होंगी बैठ जाऊंगी। मैं प्रॉपरली खड़ी नहीं हो पाती थी और पेन इतना कि कभी कभी तो आंखों से आंसू निकल जाते थे। हाँ जी, तो अब मुझे बहुत आराम है, अब खड़ी हो पा रही है। हाँ जी, अब तो मैं थोड़ा चेक करके भी देख लिया। हाँ जी, मुझे डॉक्टर ने जिन्ना चढ़ने के लिए मना किया था। अब मैं तीसरी मंजिल, मेरी मम्मी का तीसरी मंजिल का फ्लोर है, मैं अप डाउन कर रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो आपने कुल कितने दिन ट्रीटमेंट यहाँ लिया? मैं वेडनेसडे को ही आई थी ना, 8 दिन हो गया। हाँ जी, रोज के 4 थेरेपी आपने? हाँ जी, एवरीडे 4 थेरेपी लिए हैं और 8 दिन थेरेपी लिए हैं। हाँ जी। और आप हैं श्री ओम प्रकाश जी, बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप श्रीमती जी का ये हाल, और आपको क्या जोश आ गया कि मुझे भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए? नहीं, मैंने देखा भी अस्थमा का भी नाम आ रहा, भी ठीक करते, मतलब ट्राई मारने, तो ट्राई मारने में क्या होता है। अच्छा। गैस की प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो आपने अपने लिए भी ट्राई मार दी? मैंने बोला जब इसका हो रहा तो थोड़ा अपना भी हो जाए, दोनों कर लेंगे, आना तो है। ठीक बात है, कुछ ना कुछ मिलेगा, जाएगा तो नहीं। इनके फायदा होने में आपको कैसा लगा, क्या इनकी तकलीफ से आपको भी कोई कष्ट होता था? मेरे को इनकी तरीके से मेरे को कष्ट हो किसी को रोने लग पड़ती थी। अच्छा, रोने लग पड़ती थी इतनी, जैसे नीचे से उठा नहीं जाता। जैसे मैं काम से आती थी, काम में लगी रहूंगी तो कोई प्रॉब्लम, घर आ गई फ्रेश होके नहा धो के फिर तो मैं जैसे नीचे फ्लोर पे सो के बहुत रोती थी। बच्चों को बोलूंगी इधर मेरे को कर, इधर कर, वो बोलते थे मम्मी मैं भी थका हुआ हूँ, मैं नहीं, आप जाओ वहाँ कहीं इलाज करवा के आओ। बेटा ने बोला पापा इसका कर के रहना मत लाना से। अच्छा। बहुत स्ट्रांग है वो। अच्छा, उन्होंने कहा पहले मम्मी को ठीक करा मिला ना, वो तो शादी शुद्धी मत अटेंड करो, पहले इलाज करवाओ। अच्छा, शादी बाद में होती है रहती है, उन्होंने लाइफ अपनी वो कर ली है, तो आपको तो अपना इलाज देखो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। निश्चित ही बहुत बड़ी बात है रेखा जी, और मैं आपके बेटे की इस बात के लिए तारीफ करूंगा। नहीं तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं मम्मी जल्दी आ जाओ ना, अरे मम्मी कुछ नहीं होता है, मतलब डिमोरलाइज हो जाते हैं बच्चों के कारण से, मतलब उत्साह नहीं बनता। लेकिन आपके बेटे ने आपका उत्साह बढ़ाया और इवन आपको प्रेशर दिया कि आप ठीक कर, $2,000 भी दिया है कि इलाज करवा के आओ अपनी तरफ से। क्या बात है, पैसे की चिंता मत करो, और चाहिए तो मुझे बोलना, मैं भेज। अच्छा, अभी स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते $2,000 दिए उसने आपको? वीकेंड में काम करता है सर। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे संडे $10। एक्सीडेंट में वो नाम है उसका। अच्छा, रेंटल लिस्ट में आ गया उसका नाम सिंगापुर में। अच्छा। हाँ जी, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है। क्या बात है, वो 14 साल का था जब से काम कर रहा है। क्या बात है, क्या बहुत। इनको दिया 2,000, मेरे को पूछ रहा था तेरे को चाहिए तो बोल, अपना इलाज करवा के हमें यहाँ डिस्टर्ब मत करना। ठीक बात है। तो मैं एक चीज जो इनकी मैंने सुनी और हम सब ने भी सुनी कि काम बेशक ये सिंगापुर में करते हैं, लेकिन जब दर्द होता है तो
तो भारत ही कैसा है जहां काम के बाद रेस्ट करने का स्कोप मिल जाता है। विदेश में तो हर चीज खुद ही करनी पड़ती है, सामान उठा के लेके जाना है तो लेके जाना है, और दर्द हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। आप चाहो कि मैं घंटे भर रेस्ट कर लूं, ऑफिस में नहीं कर सकते, आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक मोटा अमाउंट आपका कटेगा, और खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है वहां, जिसके कारण से आदमी अपने को छुट्टी करने की मानसिकता में नहीं आता। क्यों ऐसा ही है ना? हाँ जी, तो ये यहाँ आई और अच्छी हो गई है, इसीलिए अपना एक्सपीरियंस आप ऐसा शेयर कर रही हैं, है ना? मैं बाकी सबको बोलूंगा कि जिस तरह से इन्होंने एक लंबे समय तक अपना कष्ट सहा, लेकिन अल्टीमेटली चुन लिया कि यस मुझे जाना है और यहाँ इलाज कराया, ऐसे बाकी लोग भी इंतजार नहीं करना चाहिए और उन्हें तुरंत इलाज करने के लिए पहुंचना चाहिए और आना चाहिए। जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था ये है कि आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे मान लो ओम प्रकाश जी ने ट्रेनिंग की तो आप इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग की तो वो उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इस तरह से ट्रीटमेंट भी स्वयं कर सकते हैं, आपको ये स्किल एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आप अच्छे हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। प्रार्थना करते हैं कि आपका क्लिनिक ऐसे ही चलता रहे और जो ऐसे आ रहे हैं लोग ठीक होकर चाहते रहे, क्योंकि मुझे ज्यादा पेशेंट बढ़े इसकी चिंता नहीं है, जितने लोग आए वो ज्यादा से ज्यादा ठीक होकर जाए इसकी मुझे जरूर चिंता है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा हमारी सर्विस भी लोग उसी प्रकार से देते हैं, हमारे सभी थेरेपिस्ट सारा स्टाफ नहीं तो अपने लिए सही कर रहे हैं। अब बॉडी में कईयों को बहुत जल्दी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, कईयों को लेट होती ले, है। हाँ, बस यही है, अब जैसे कोई एक दो करवा के घूर रहे नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, अब जो 16 और 17 साल पुरानी बीमारी है उसको उसको ठीक होने में टाइम लगता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी नमस्कार। नमस्कार। आज और अभी रजिस्टर करें हमारे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में और एक एक कर जाने वो सारे रहस्य जिससे बदलेगा आपका जीवन और आपका भविष्य। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। हमें बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि 70% डिस्काउंट के साथ 1000 एडमिशन हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। इसी खुशी में और कोर्स की भारी डिमांड को देखते हुए हम दे रहे हैं आपको सुनहरा अवसर। डिजिटल पाठशाला के अगले 100 एडमिशन को आरोग्य पीठ दे रहा है 70% डिस्काउंट, पर याद रहे यह छूट पहले 100 यूजर्स के लिए ही है। जल्दी करें और अभी करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।